न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में 10 करोड़ या उससे अधिक के लागत की परियोजना के कार्यों के प्रगति की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रदेश निदेशक सुजीत कुमार ने मिशन के कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने कोविड 19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रत्येक शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कई प्रतिबंधों को किया लागू। जिले में अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र होने के कारण स्थानीय स्तर पर नया रोस्टर किया जारी। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पुलिस कार्यालय में मंगलवार को कोविड 19 पॉजिटिव कर्मचारी पाए जाने के बाद जिलाधिकारी के आदेश से कलेक्ट्रेट परिसर को 2 दिनों के लिए किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। बंद रहेंगे सभी कार्यालय, घर से कर्मचारी करेंगे कार्य। बेतिहाता स्थित मंडलायुक्त आवास परिषद बना हॉटस्पॉट, एडीएम सिटी ने कहा कमिश्नर आवास का कर्मचारी कोरोना संक्रमित निकलने के बाद बनाया गया हॉटस्पॉट। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस लाइन से जटेपुर पुलिस चौकी तक किया गया पैदल गश्त, लोगों को कोरोना के प्रति किया गया जागरूक। गोरखपुर जिले में मंगलवार को मिले कुल 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 790, जिसमें 439 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। 334 मरीजों का अभी चल रहा है इलाज। अब तक 17 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त ने कहा महानगर को जलभराव से बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं 11 रेगुलेटर, साफ सफाई की भी है समुचित व्यवस्था जिससे मिल सके इंसेफेलाइटिस से निजात। और लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी, नदियों के आसपास के गांवों में पहुंचा पानी।